हेलो एवरीवन, मायसेल्फ पंकज, वेलकम टू बीइंग फिशको। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैंडबुक ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के चैप्टर 2, फिश जेनेटिक रिसोर्स एंड देयर कंजर्वेशन के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट किया है इसमें, ये नोट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर है जिससे कि क्वेश्चन बन सकते हैं JRF एग्जाम या फिर जो भी फिशरीज़ के एग्जाम है उसके ऊपर। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी इतने पॉइंट सफिशियंट हैं, जो भी इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो सारे मैंने इसमें मैंशन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज़ साइन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी साइन करने के साथ ही साथ इंडिया का मेन फोकस हो गया कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो किस फिश की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है? तो बोनी फिशेज, डेट इज़ टीलियोस्ट, इनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्टिलेजनस फिशेज, एज़ कम्पेयर टू जॉलेस फिशेज। कार्टिलेजनस फिश की स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है 800 स्पीशीज़, जॉलेस फिशेज की 70 स्पीशीज़ है। जॉलेस फिशेज इंक्लूड लैम्प्रीज एंड हैग फिशेज। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वर्टिब्रेट स्पीशीज टोटल है 61,259 स्पीशीज, जिसमें कि 30,700 फिश स्पीशीज़ है। फिर बात करते हैं, इन 30,700 फिश स्पीशीज़ में से 8,411 इज़ फ्रेश वाटर स्पीशीज़, प्लस 160 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये डिपेंडेंट स्पीशीज़ हैं माइग्रेशन के ऊपर। ये फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं, मरीन वाटर भी हो सकती हैं, और ब्रैकिश वाटर स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करें, 11,650 आर मरीन स्पीशीज़, 5,000 स्पीशीज़ आर येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी भी इतना पोटेंशियल है, अभी भी इतना डिस्कवर होना बचा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, तो टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड में, जिसमें से कि 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में हैं। कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिमालयस एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट, ग्लोबल फिश बायोडाइवर्सिटी इज़ 11.72%। कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरी सेक्टर इन फॉरेन एक्सचेंज इज़ $2.5 बिलियन। पर कैपिटा अपेरेंट कंजम्पशन ऑफ फिश इज़ 20.5 kg। डेवलपिंग कंट्री हैज़ मोर पोटेंशियल एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। एज पर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड इन 2002 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल वॉज मेड इन 2004। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फिनफिश स्पीशीज इज 30,700 इन वर्ल्ड। इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा फिश स्पीशीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न रीजन। 69% फिश स्पीशीज़ का डोमिनेंस वेस्टर्न घाट में है। जर्म प्लांट रिसोर्सेज, इंडिया की बात करें तो फ्रेश वाटर रिसोर्स इंडिया के पास 877 है, ब्रैकिश वाटर 113 है, मराइन वाटर 1,368 है, टोटल फिश स्पीशीज 2,358 है। अप्रॉक्सीमेटली इसको 2,500 स्पीशीज लेते हैं कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नई स्पीशीज़ जो खोजी गई हैं हाल फिलहाल में, वो उसमें 32 स्पीशीज़ हैं। कहाँ खोजी गई? तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में एंड वेस्टर्न घाट रीजन में। NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये वो इंस्टीट्यूट या ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में जो भी रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन और उनका मैक्सिमम सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए। उनकी कोई भी अगर इलीगल फिशिंग हो रही हो तो उन पर रोक लगाने के लिए, ताकि उन स्पीशीज़ को एक्सटिंक्शन से बचाया जा सके। नेक्स्ट बात करें, तो कौन कौन सी नई स्पीशीज़ जो खोजी जा रही हैं, बेसिकली किसको बिलोंग करती है? तो बेसिकली वो पोंटियस स्पीशीज़ हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ खोजी जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोल्ड वाटर फिश डाइवर्सिटी की बात करें, तो कोल्ड वाटर फिश डाइवर्सिटी इंक्लूड्स रीजन जो होता है वो 914 मीटर होता है अबव मीन सी लेवल से। जो रीज़न इसमें इंक्लूडेड होते हैं वो है हिमालयाज रीजन, लेसर हिमालयाज रीजन, डेक्कन प्लेटू रीजन जो कि वेस्टर्न घाट वाला रीजन है। टेम्परेचर यहाँ पे 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 10 to 12 डिग्री सेल्सियस है। डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो 7.9 to 9.7 PPM है। स्मॉल साइज फिशेस यहाँ पे पाई जाती हैं और इनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है फॉर अटैचमेंट के लिए। यहाँ पे पानी का स्पीड बहुत तेज़ होता है, रिवर रिथ्रॉन जोन है ये, तो यहाँ स्पीड बहुत तेज़ होता है, इसलिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं फॉर अटैचमेंट के लिए। जो डाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जा रही है वो इंक्लूड करती है साइप्रिनिडी फैमिली, बेलिटोरिडी, कोबिटिडी, सिसोरिडी, सिलोरिंकिडी, होमेलाप्टेरिडी। स्पीशीज़ इंक्लूड्स टॉर्टोर, टॉर्पुटिटोरा, टॉर्खुदरी, ग्लिप्टोथोरेक्स स्पीशीज़। ट्रांस हिमालयन रीजन जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है वहाँ पे, और बायोटिक फैक्टर भी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के हैं, इसलिए वहाँ पे स्पीशीज डोमिनेंस बहुत ही कम देखा गया है। फॉर एग्जांपल लद्दाख रीजन में डिप्टाइकस मैक्यूलेटस एंड सेल्मोस्टॉलिक जेई स्पीशीज़ पाई जाती हैं। वार्म वाटर फिश डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो बेसिकली ये पोटामैन जोन इंक्लूड करता है। जो कोल्ड वाटर फिश डाइवर्सिटी थी वहाँ पे रिथ्रॉन जोन था, ये पोटामैन जोन के रिवर सिस्टम जो होंगे वह यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। बात करें गंगा रिवर की, तो टोटल लेंथ होता है 8047 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र रिवर 4023 किलोमीटर,
गंगा हैज़ 250 फिश स्पीशीज़ जिसमें कि 150 फ्रेश वाटर हैं। फिर ब्रह्मपुत्र, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया हर जगह, ब्रह्मपुत्र इंक्लूड 167 स्पीशीज़, महानदी 99 स्पीशीज़, कावेरी 90 स्पीशीज़, नर्मदा 95 स्पीशीज़, ताप्ती 57 स्पीशीज़, सतलज 55 स्पीशीज़। कमर्शली इंपॉर्टेंट कार्प्स की अगर बात करें जो इन रीजन में पाई जाती हैं, तो वो इंक्लूड करता है कटला, रोहू, मृगल, कालबासू, लेबियोडुसिमेरी, लेबियोबाटा, लेबियोफिमरिएटस। कैटफिशेज स्पीशीज़ की बात करें तो स्पेराटा आयोर, स्पेराटा सिंघाला, वलागुआ टू, पेंगेशियस पेंगेशियस। एयर ब्रीदिंग फिश एंड फेदरबैक्स आर ऑल्सो फाउंड डेट आर एडेप्टेड टू लिव इन स्वाम्पी एरिया, जो दलदलीय इलाके होते हैं वहाँ, मतलब जहाँ पे पानी कम भी रहेगा तो ये वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसी फिशेज, एयर ब्रीदिंग फिशेज एंड फेदरबैक्स। फेदरबैक इंक्लूड नोटेप्टरस चितला एंड नोटेप्टरस नोटेप्टरस। आगे बात करें तो कौन कौन सी स्पीशीज अभी बची हुई हैं, उसमें है मरल्स, चन्ना स्ट्राइटस, चन्ना पुंक्टेटस, लेबियोफिमरिएटस गोदावरी रीजन में पाए जाते हैं, हिल्सा अकर इन लोअर रीच ऑफ गंगा रिवर, जो जहाँ पे गंगा रिवर एंड होने वाली है उस एरिया, जैसे कि बंगाल साइड हो गया, वहाँ पे वे ऑफ बंगाल में अब गंगा रिवर एंड होने वाली है, तो वहाँ हिल्सा जो है वो लोअर रीचेस में पाई जा रही है गंगा रिवर के। इंपॉर्टेंट कैचेस जो इस रीजन की हैं वो 23 स्पीशीज होती हैं, उसमें मैंने कुछ स्पीशीज़ मेंशन किया हुआ है, लेबियोफिमरिएटस, लेबियो कालबासू, सिरिनस मृगला, रीटा रीटा, वलागुआटू एंड मिस्टेस स्पीशीज। ब्रैकिश वाटर फिश डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो ब्रैकिश वाटर क्या होता है, बेसिकली ये एक ट्रांजिशन जोन है जहाँ पे आपका रिवर का फ्रेश वाटर और ओशन या फिर सी का जो सलाइन वाटर है वो जहाँ मिलता है, जो जंक्शन होता है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, वो ब्रैकिश वाटर एरिया या एस्चुराइन एरिया है। पीपीटी रेंज, सैलिनिटी रेंज 0.5 से 30 पीपीटी तक होता है। हुगली माटला एस्चुरी सबसे बड़ी एस्चुरी है, फिर आपका महानदी एस्चुरी, गोदावरी एस्चुरी, नर्मदा एस्चुरी, कावेरी एस्चुरी, कृष्णा एस्चुरी, ताप्ती एस्चुरी आती है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक की बात करें तो चिल्का लेक है, फिर पुलिकट, वेम्बनाड, ये सब भी ब्रैकिश वाटर रीजन वाले लेक्स हैं। फिर 113 टैक्सा इंक्लूड करता है ब्रैकिश वाटर रीजन, जिसमें कि आते हैं इलॉप्स मैकनेटा, चैनोस चैनोस, दैट इज मिल्क फिश, दैट इज कैल्सरीफर ऑल्सो नोन एज बारामुंडी और सी बास, एट्रोप्लस सूराटेंसिस ऑल्सो नोन एज करीमीन और पॉलीस्पॉट, एट्रोप्लस मैक्यूलेटस, एपिनेफ्लस टॉविना। एपिनेफ्लस टॉविना ही वो ग्रुपर की स्पीशीज है जिसपे CMFRI ने सी ब्रीडिंग और प्रोडक्ट, जो उनकी सीड ब्रीडिंग और प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी था वो इसी पे खोजा था, एपिनेफ्लस टॉविना पे। म्यूजिल सिफेलस, देन पीनियस मोनोडॉन, पीनियस इंडिकस, पीनियस सेमीसल्केटस, मेटापिनस मोनोसोरॉस, मेटापिनस डॉप्सोनी एसेक्ट्रा। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट इंटरटाइडल डेल्टा एंड कवर टू कंट्रीज, डेट आर इंडिया एंड बांग्लादेश। मरीन फिश बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो इसकी सैलिनिटी मोर देन 30 पीपीटी होती है। ये इंक्लूड करता है बे ऑफ बंगाल रीजन, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। अब जो रीजन इसमें इंक्लूडेड होते हैं वो है कोस्टल रीजन, ऑफशोर रीजन, डीप सी रीजन एंड आइलैंड रीजन। 1368 टैक्सा पाए जाते हैं मरीन फिश बायोडाइवर्सिटी में। दे इंक्लूड शार्क्स, रेज, बॉम्बे डक, सार्डिनेला स्पीशीज, डेट इंक्लूड सार्डिनेला लॉन्गिसेप्स, सार्डिनेला फिम्ब्रिएटस, सार्डिनेला गिबोसा एंड सार्डिनेला एल्बेला। मलबार सोल, साइनोग्लॉसस स्पीशीज, पैरेट फिश, स्यूडो कैरस स्पीशीज, सीयर फिशेज एंड सिल्वर बेलीज। इंडियन मैकरल, रास्टोलाइजर कानागुटा, देन टूना फिश, ऑक्सिस थजार्ड एंड सार्डा ओरिएंटलिस, यूथिनस एफिनिस एंड थिनस टोंगोल। फिर आते हैं पॉम्फ्रे स्पीशीज, जिसमें तीन स्पीशीज आ जाती है, पैम्पस अर्जेंटस सिल्वर पॉम्फ्रे, पैम्पस चाइनेसिस चाइनीज पॉम्फ्रे, पैरास्ट्रोमाटियस नाइजर ब्लैक पॉम्फ्रे। बाराकूडाज स्पीशीज, रिबन फिशेज। फिर आते हैं आइलैंड एरियाज की अगर बात करें तो लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी रिपोजिटरी एंड ऑल्सो नोन एज वर्चुअल बायो रिजर्व। यहाँ पे 1200 स्पीशीज पाई गई हैं, जिसमें कि 250 फूड फिशेज हैं एंड 250 ऑर्नामेंटल फिशेज हैं। थ्रेट्स की बात करें, जो हमारे रिसोर्सेज या फिर जो भी डाइवर्सिटी पाई जा रही है उनको क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट अल्टरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ये सब थ्रेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, सुनामी ऑफ 26 दिसंबर 2004 इन साउथ इंडिया वाज अ मेजर थ्रेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज बायोडाइवर्सिटी लॉस। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन से जिन जिन स्पीशीज़ को लॉस हुआ है या हो रहा है या जो एक्सटिंक्शन के कगार पे जा रहे हैं वो इंक्लूड करते हैं रिंकोडॉन टाइफस, मरीन कैटफिश, टैकिसीरस ओस्टियोजेनिसस, वाइट फिश, लैक्टेरियस लैक्टेरियस, फ्लैट हेड्स, प्लैटिसिफेलस, मैक्यूलिपिना, थ्रेडफिन्स, पॉलिनिमस इंडिकस, सियानिट्स, स्यूडोसीना डाइकेंथस। एनुअल रन ऑफ इन गंगा बेसिन इज 469 बिलियन मीटर क्यूब, जिसमें से कि 85 बिलियन मीटर क्यूब इज डाइवर्टेड फॉर कैनल प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए यूज़ करते हैं और इरीगेशनल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, टाइमिंग एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोलॉजी
दीज आर ऑल पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फड़क्का बैरेज ऑन गंगा रिवर लीड्स टू डिक्लाइन ऑफ हिल्सा एंड ऑल्सो इट्स माइग्रेशन. नेक्स्ट पॉइंट, इनब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन रिड्यूसेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इनब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन रिड्यूसेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी. देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट मॉडिफिकेशन लीड्स टू डिक्लाइन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज. देन सिल्टेशन फ्रॉम कैचमेंट, कैचमेंट एरिया से जो भी सिल्टेशन हो रहा है वो बेसिकली हमारी जो फिश डाइवर्सिटी है उसके फीडिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड पे बहुत मेजर इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से उनकी डाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है. फॉर एग्जांपल, इन हिमालयन रिवर 2050 मिलियन टन्स ऑफ सिल्ट है जो रिजर्वायर में डिपॉजिट हो रहे हैं. 480 मिलियन टन्स रिजर्वायर में डिपॉजिट हुए, जिनकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्टेशन हुआ, फिर यूट्रोफिकेशन हुआ. डेट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी ऑफ डैट पर्टिकुलर एरिया एंड लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ अलगल ब्लूम. फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेजेस, ये भी अफेक्ट किए स्पीशीज सच एस महसी एंड स्नो ट्राउट एज वेल एज लोअर रीचेस में हिल्सा स्पीशीज को अफेक्ट किया. नेक्स्ट बात करें तो हेट्रोजाइगोसिटी एंड ओवरऑल जेनेटिक डाइवर्सिटी गेट रिड्यूस्ड इन पॉपुलेशन इफ क्विक ग्रोइंग लार्जर इंडिविजुअल्स आर रिमूव्ड बाय फिशिंग. फिर ओवर एक्सप्लॉटेशन जिन स्पीशीज का हुआ है उनकी बात कर लेते हैं. तो टॉर स्पीशीज, सिजोथोरैक्स स्पीशीज अपलैंड वाटर्स में, चितला चितला, ओमपॉक पापडा, पेंगेशियस पेंगेशियस, क्लेरियस टूसीमेरी, ये वार्म वाटर रीजन में. पुंटियस डेनिसोनी रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट, उस रीजन में पुंटियस डेनिसोनी का ओवर एक्सप्लॉटेशन हुआ. पॉलिनिमस इंडिकस हेपेटोडेक्टाइलस, पोमिडेसस हेस्टा, लैक्टेरियस लैक्टेरियस एंड व्हेल शार्क, ये वो स्पीशीज है जिनका मरीन बायोडाइवर्सिटी में ओवर एक्सप्लॉटेशन हुआ. बात करते हैं एक्वेटिक पॉल्यूशन की, तो ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके फिश बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन में. कैसे, तो देख लेते हैं. ड्यू टू पॉल्यूशन न्यूट्रिएंट लेवल सच एस नाइट्रेट एंड फॉस्फेट इन वाटर कैन इंक्रीज, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन. और यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गल ब्लूम का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अदर ऑर्गेनिज्म का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो कि फूड के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ा रहे हैं, स्पेस के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ा रहे हैं, और ये न्यूट्रिएंट लेवल को डिक्रीज़ करवा देगा, जो कि हमारे फिश डाइवर्सिटी है उसके न्यूट्रिएंट लेवल को डिक्रीज़ करेगा. उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड पे अफेक्ट पड़ेगा, तो उनकी सर्वाइवल रेशियो पे सीधा डायरेक्ट अफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, बात करते हैं कि कोरल एरियाज़ में कैसे अफेक्ट करते हैं. तो बेसिकली यूट्रोफिकेशन की वजह से जो एल्गल ब्लूम हो रहा है, ये कोरल एरियाज़ में कॉम्पिटिशन टू कोरल स्पीशीज़ देंगे, तो कोरल स्पीशीज़ पे भी असर पड़ेगा. प्लस जो सेडिमेंटेशन कॉज हो रहा है एक्वेटिक पॉल्यूशन की वजह से, वो सेडिमेंटेशन रिस्पॉन्सिबल है टर्बिडिटी के लिए, टर्बिडिटी रिस्पॉन्सिबल है लाइट ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, लाइट ऑब्स्ट्रक्शन रिस्पॉन्सिबल है कोरल स्पीशीज़ के एंडेंजरमेंट के लिए. कैसे, तो जो सिम्बायोटिक एल्गी जो कि कोरल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन है जिनका, ज़ूज़ैंथेलिका, ये उसके ऊपर असर करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो नहीं पाएगा क्योंकि लाइट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है टर्बिडिटी की वजह से. नेक्स्ट बात करते हैं, ऑयल स्पिल और एंटी फॉलिंग पेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. बात कर लेते हैं इलीगल फिशिंग के लिए. इलीगल फिशिंग प्रैक्टिस प्ले अ मेजर रोल इन डिक्लाइन ऑफ आवर फिश बायोडाइवर्सिटी, दैट इज बाय डिस्ट्रक्टिव फिशिंग. डिस्ट्रक्टिव फिशिंग करके मदर फिशेज और जुवेनाइल फिशेज पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, उनका ओवर एक्सप्लॉटेशन हो जा रहा है मदर फिशेज का और जुवेनाइल फिशेज का. यूज़ ऑफ डायनामाइट का यूज़ करना, ये बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड है. बुल ट्रॉलिंग का यूज़ करके जो भी बॉटम रिसोर्सेज हैं हम उनको वैनिश कर रहे हैं. पर्सिन का यूज़ करके जो शोल फिशेज होती हैं या फिश शोल्स हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा है. बैग नेट का यूज़ करते हैं तो माइग्रेटिंग फिशेज पे इनका असर पड़ता है. कोरल हेड्स, जो कोरल हेड हैं उनका यूज़ कर रहे हैं हम लोग ज्वेलरी और एक्वेरियम के लिए, जिससे हम लोग कोरल स्पीशीज़ को बहुत बड़ा डेंजर कॉज कर रहे हैं. नेक्स्ट बात करते हैं एक्जॉटिक स्पीशीज़ की. तो एक एक्जॉटिक स्पीशीज़ का यूज़ मिड 19th सेंचुरी में हुआ था. कुछ एक्जॉटिक स्पीशीज़ हमारे लिए फेवरेबल रह गई, लेकिन उसमें से कुछ एक्जॉटिक स्पीशीज़ हार्मफुल रह गई, जो कि डिजीज़ कॉज कर गई या फिर जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ थी उनको अफेक्ट कर गई. फॉर एग्जांपल, सेल्मो गैडिनेरी, पेंगेसिस सूची, सेल्मो टूटोफेरियो, ऑनकोरिंकस माइकिस, सेल्विनस फॉन्टिनेलिस, कॉमन कार्प, गोल्ड फिश, ओरियोक्रॉमिस मोजाम्बिकस, बिग हेड कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, टिंका टिंका, एल रेटिकुलेटस एंड क्लेरियस कैरिपिनस, ये वो एक्जॉटिक स्पीशीज़ हैं. रिसेंटली साउथ अमेरिकन कैटफिश, टेरिगोप्टिक्थिस एनिस्टी, फैमिली लोरिकेरिडी, NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स ने इस फिश को देखा. कहाँ पे देखा, तो गंगा रीजन और पटना एंड गोमती नदी में पाया गया. लखनऊ रीजन में देखा गया इसको, साउथ अमेरिकन कैटफिश टेरिगोप्टिक्थिस एनिस्टी को. फिर पाकू फिश, पायरेक्टस ब्रैकिपोमस, केरला
में पेरियार रिवर में ये स्पीशीज़ पाई गई थी, ये एग्जॉटिक स्पीशीज़। कुछ और एग्जॉटिक स्पीशीज़ की बात करें तो अपाची ट्राउट, ओ अपाची एंड गिला ट्राउट, ओ गिले, साउथ वेस्ट यूएसए में पाया गया। ये एक्सटिंक्ट हुआ ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन विथ कट थ्रोट ट्राउट, डेट इज़ ऑनकोरिंकस क्लार्की। नाइल पर्च की बात करें तो लेटेस्ट निलोटिकस डेट इज़ वोरेशियस फीडर, ये चिकलीड स्पीशीज़ को पूरा एक्सटिंक्ट करने में मदद किया, उस रीजन से एक चिकलीड स्पीशीज को हटा दिया। नाइल पर्च लेटेस्ट निलोटिकस डेट इज़ वोरेशियस फीडर, और इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली जो चिकलीड स्पीशीज़ यूजफुल थी उसको ये हटा दिया वहाँ से। अब बात करें अगर इंडिया की, तो कॉमन कार्प जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो ये थ्रेट कॉज किया सीजोथोरैसिड स्पीशीज़ कश्मीर में और ओस्टियोब्रामा बेलेंगिरी डेट इज़ ऑल्सो नोन एज पेंगबा इन लोकतक लेक इन मणिपुर। ठीक है, गोविंद सागर डैम जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पे कटला रिप्लेस्ड बाय सिल्वर कार्प, कटला को वहाँ पे सिल्वर कार्प ने रिप्लेस कर दिया। ओरियोक्रामिस मोजम्बिकस और ऑल्सो नोन एज मोजम्बिकी तिलापिया। फिर ये अमरावती और वैगाई रिजर्वायर में आए थे। ठीक है, 1952 में ओरियोक्रामिस मोजम्बिकस का इंट्रोडक्शन किया गया और 1959 में इनको बैन कर दिया गया था। सम फेवरेबल स्पीशीज़ इंक्लूड ओरियोक्रामिस निलोटिकस 250 ग्राम, 6 मंथ में 250 ग्राम ग्रो कर लेते हैं, प्रोलिफिक ब्रीडर हैं। तो ये वो सक्सेसफुल स्पीशीज़ है जो कि जिनको हम लोग यूज़ सक्सेसफुल रहा, ओरियोक्रामिस निलोटिकस नाइल तिलापिया का यूज़ सक्सेसफुल रहा। ये कुछ एक्जॉटिक स्पीशीज़ वो हैं जिनका ग्रोथ फेवरेबल है हमारे लिए या हमारी डाइवर्सिटी के लिए, मतलब बाकी एग्जॉटिक स्पीशीज़ के कंपैरिजन में ये स्पीशीज़ अच्छी थी। फिर बात करें तो एग्जॉटिक स्पीशीज़ क्यों नहीं यूज़ ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये इंटरब्रीडिंग कॉज कर सकती हैं जो कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करने में हो सकता है, फूड कंपटीशन कॉज करेंगे। फॉर एग्जांपल कटला और सिल्वर कार्प में फूड कंपटीशन हो गया सरफेस फीडर होने की वजह से, स्पेस के लिए कम्पीट कर सकते हैं ये, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा रोल है एग्जॉटिक स्पीशीज़ का, प्लस डिजीज़ आउटब्रेक करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर एग्जॉटिक स्पीशीज़ इन्वेड कर रही है तो वो डिजीज़ भी उनके अंदर हो सकता है। बात करते हैं डिजीज़ की, तो एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम एंड WSSV वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस, ये कुछ ऐसी डिजीज़ है जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ के इंट्रोडक्शन की वजह से आए। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन कप डोस्टर यूरोप में पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से आए थे, जो कि पैथोजन बोनामिया लेके आए थे अपने साथ। ठीक है, बात करते हैं तो अब डिजीज़ आ रही है तो उसके लिए कोई मेथड होगा, वो मेथड है क्वारंटाइन एंड हेल्थ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। जब भी कोई सीड आती है तो उसका पहले हम लोग को क्वारंटाइन एंड हेल्थ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना पड़ता है, ताकि उन स्पीशीज़ की डिजीज़ आउटब्रेक करने की टेंडेंसी या फिर कोई भी उनके अंदर जो अगर डिजीज़ है तो वो चेक किया जा सके। बात करते हैं NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स डेवलप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर लेबियोरोइटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, NBFGR ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया था लेबियोरोइटा के लिए। फिर हार्मफुल एल्गल ब्लूम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मफुल एल्गी, ये कैसे होते हैं, तो जो बैलेस्ट वाटर होते हैं उनकी वजह से ये इनका ग्रोथ बढ़ रहा है। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में एलेक्जेंड्रियम स्पीशीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार JRF एग्जाम में पूछा गया है। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से एलेक्जेंड्रियम स्पीशीज़ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग एंड रेड वाटर बाय जिम्नोडियम नागासाकियंस इन 1989। फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें अगर फिश बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, तो ग्लोबल वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सी सरफेस टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने में रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन आइस कवर, सैलिनिटी चेंज कर देता है, और एल नीलोस जो कि पेरुवियन करंट है उन पर भी असर होता है ग्लोबल वार्मिंग का। अपवेलिंग चेंजेस कॉज किया है जिससे कि कोस्टल फिश पे अफेक्ट पड़ा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, तो फूड और डिजॉल्व ऑक्सीजन इनके लेवल में डिक्रीज़ हुआ, जो फिशेस की फीडिंग टेंडेंसी पे डिक्रीज़ हुआ, प्लस डिजॉल्व ऑक्सीजन जो हमारे जो भी एक्वाटिक इन्वायरमेंट है वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल गिरना शुरू हो गया। चेंज इन मॉनसून सीजन कॉज हुआ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, डेट अफेक्टेड ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। NBFGR ने नोटिस किया कि बायोजोग्राफिकल शिफ्टिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज सच एज सिरिनस रीबा एंड MRL, ओके, इन स्पीशीज़ की शिफ्टिंग हुई, बायोजोग्राफिकल शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। फिर CMFRI ने कोची सेंटर जो CMFRI का है उसने भी यही चीज़ देखा कि ऑयल सार्डिन का एक्सटेंशन हो रहा है, गुजरात कोस्ट तक चला गया है, इट्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ओनली। फिर ICR के 15 इंस्टीट्यूशन एज वेल एज स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ये प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट पे अभी वो लोग काम कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का कितना असर पड़ रहा है और स्पीशीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। कंजर्वेशन एक्सटिंक्शन रेट 1,000 to 10,000 टाइम्स हो गया है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2008
बेसिकली 16,928 स्पीशीज़ हैं, जिसमें कि 1,275 स्पीशीज़ फिशेस की हैं। एशिया में 6,106 स्पीशीज़ हैं, जिसमें कि 688 फिनफिश स्पीशीज़। ये अभी तक देखा गया कि इतनी स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के रेट के कगार पर जा रही हैं। एशिया में 6,106 स्पीशीज़ में से 688 फिनफिश स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के कगार पर जा रही हैं। 16.3% ऑफ फिश इज़ इन वल्नरेबिलिटी। ओके, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने शेड्यूल 1 से शेड्यूल 4 तक का एक स्केल तैयार किया, जिसके तहत प्रिजर्वेशन टेक्निक या कंजर्वेशन टेक्निक स्टार्ट हुई। एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये इसको अप्लाई किया गया, जो शेड्यूल 1 to 4 है वो 2001 में अप्लाई किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल के तहत, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नहीं, ये बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये जो दिया है किस किस स्पीशीज़ को किस शेड्यूल के किस पार्ट के तहत कंजर्व करने की कोशिश हो रही है वो देखा है हम लोग को। तो शेड्यूल 1 में डुगोंग सिटेशन स्पीशीज़, गैंगेटिक डॉल्फिन, लिटिल इंडियन पोर्पोइस, इरावडी डॉल्फिन, साइंटिफिक नेम ऑर्सेला ब्रेविस्ट्रिस और न्यूमेरिस फैसिनॉइड्स इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लिटिल इंडियन पोर्पोइस। फिर ये पार्ट वन में, शेड्यूल वन के पार्ट वन में इनको रखा गया है। शेड्यूल वन के पार्ट टू में बात करें तो ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, लेदरी टर्टल, लॉगर हेड टर्टल और ऑलिव बैक टर्टल को रखा गया है। शेड्यूल वन के पार्ट टू की अगर और बात करें तो उसमें एनॉक्सी प्रिस्टिस कस्पिडेटा, कैरकेरिनस हेम्योडॉन, ग्लाइफियस गैंगेटिकस, फिर प्रिस्टिस जिस्ट्रॉन, प्रिस्टिस माइक्रोडॉन, रिंकोडॉन टाइफस, जैंट ग्रुपर, एपिनेफिलस लैंसेलोटस, इन सबको शेड्यूल वन के पार्ट टू में ही रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ सकता है कि वो है रिंकोडॉन टाइफस को किस शेड्यूल में रखा गया है, तो शेड्यूल वन के पार्ट टू में रखा गया है। फिर पार्ट फोर में किनको किनको रखा गया है, तो ये शेड्यूल वन की अभी बात हो रही है। शेड्यूल वन के पार्ट फोर में रीफ बिल्डिंग कोरल्स, ब्लैक कोरल, ऑर्गन पाइप कोरल, सी फैन जो कि गॉर्गोनिट्स हैं, नॉटिलस, ट्राइडेक्ना मैक्सिमा एंड कैशिया कॉर्नुटा, ये हैं वो स्पीशीज जो कि शेड्यूल वन के पार्ट फोर में है। फिर पार्ट फोर में और कौन कौन सी स्पीशीज है, तो सी ककंबर जो कि होलोथुरियंस है वो भी शेड्यूल वन के पार्ट फोर में है। शेड्यूल टू की बात करें तो कुछ सिटेशन स्पीशीज प्लस स्पर्म वेल, साइंटिफिक नेम फाइस्टर मैक्रोसिफेलस, ये शेड्यूल टू के पार्ट वन एंड पार्ट टू में है। शेड्यूल थ्री में स्पॉन्जेस है। शेड्यूल फोर में मॉलस्क, लैम्बिस स्पीशीज एंड साइप्रिया स्पीशीज, सी स्नेक्स, हाइड्रोफिलिडे स्पीशीज, ये शेड्यूल फोर में आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता था वो था रिंकोडॉन टाइफस के बारे में, वो शेड्यूल वन में आता है। अगर IUCN कैटेगरीज की बात करें तो कंजर्वेशन स्टेटस जो IUCN कैटेगरीज में बनाए थे वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहला आता है एक्सटिंक्ट, जिस जो कि तब होता है जब लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड, जो भी हमारे ग्रुप हैं जो स्पीशीज़ की हम लोग बात करते हैं, अगर उसका लास्ट इंडिविजुअल मर जाता है तो वो स्पीशीज़ फाइनली उसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया जाता है। फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की बात क्या होती है, अगर वो उस स्पीशीज़ का कोई मेंबर सर्वाइव इन कल्टीवेशन, अगर वो कहीं किसी कल्टीवेशन में सर्वाइव कर रहा है तो वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, मतलब वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुका है पर उसको अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं पे उसको बचा के रखे हुए हैं। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का क्राइटेरिया क्या है, तो बेसिकली इट इंक्लूड लेस देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल होना चाहिए 10 ईयर्स के अंदर में, और 80% रिडक्शन रेट अगर देखा जाएगा तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित किया जाता है इनको। एंडेंजर्ड स्पीशीज हम किसे बोलते हैं, जिनका 50% रिडक्शन हो जाता है प्लस उनके लेस देन 2500 मैच्योर इंडिविजुअल बचे हुए हैं, वैसी स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। वल्नरेबल स्पीशीज किनको बोलते हैं, तो जिनका 20% रिडक्शन हो गया है और लेस देन 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल बचे हुए हैं वो वल्नरेबल स्पीशीज हैं। रेयर में कौन कौन से आते हैं, तो लोअर रिस्क, फिर उसके बाद नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न स्पीशीज ये आते हैं, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवेल्यूएटेड और थ्रेटेंड स्पीशीज आते हैं। फिर ये सब बेसिकली सबसे नीचे वाले लेवल के हैं, मतलब इन पे अभी डेटा डेफिशिएंट ये है कि उनके सफिशिएंट डेटा नहीं है, ये आने वाले समय हो सकता है कि वो स्पीशीज एक्सटिंक्शन के कगार पे हो सकती है पर उसके बारे में अभी कोई डेटा मिला नहीं है। नॉट इवेल्यूएटेड वो स्पीशीज के लिए होता है जिनके बारे में अभी कोई खोज स्टार्ट हुई नहीं है, और थ्रेटेंड स्पीशीज मतलब इन फ्यूचर वो वल्नरेबल हो सकते हैं, वैसे स्पीशीज को हम लोग थ्रेटेंड में डालते हैं। इन 1989 लेट डॉक्टर AGK मेनन ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया था कि 21 वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, फोर एंडेंजर्ड में बरिलियस बोला, पुंटियस चिलोनेट्स, सेमी प्लॉटस और एनोबार्बिक्थिस मैक्यूलेटस एंड 17 थ्रेटेंड स्पीशीज, ये बताया था लेट डॉक्टर AGK मेनन ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1989। अगर इंडिया की रिपोर्ट माने 1992 और 1993 जो कि NBFGR की रिपोर्ट है, तो उसमें 4 एंडेंजर्ड, 21 वल्नरेबल, 2 रेयर एंड 52 इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़ है ऑफ 329 वार्म वाटर टैक्सा।
अब बाय कंजर्वेशन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान बाय NBFGR 1997 के थ्रू अगर देखा जाए तो वन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, वन एंडेंजर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है एंड 47 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 98 एंडेंजर्ड स्पीशीज, 82 वल्नरेबल स्पीशीज, 67 लो रिस्क स्पीशीज एंड 13 लीस्ट कंसर्न स्पीशीज एंड 80 डेटा डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है 1997 का, और उससे भी लेटेस्ट अगर बात करें तो लेटर NBFGR 2010 में जो उन्होंने बोला था वो है 120 टिल्यूस्ट स्पीशीज में से 72 जो है वो एंडेंजर्ड है एंड 48 वल्नरेबल स्पीशीज है। बात करें कि जो एक्सटिंक्शन कॉज होता है वो क्यों होता है, बेसिकली वो इस वजह से होता है क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म का अगर ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो होगा और उसकी मैच्योरिटी रेट भी बहुत ही लेट से होगी उसकी अगर मैच्योरिटी, तो चांस ऑफ एक्सटिंक्शन बढ़ जाता है। अगर ग्रोथ रेट स्लो होगा और मैच्योरिटी बहुत स्लो होगी तो चांस ऑफ एक्सटिंक्शन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल डस्की शार्क जिसका मैच्योरेशन 20 ईयर्स में होता है, फिर सैंड टाइगर शार्क भी उसी का एग्जांपल है, फिर वेल शार्क की अगर बात करें तो रिंकोडॉन टाइफस क्यों एक्सटिंक्शन के कगार में है, क्योंकि इनकी टारगेट फिशिंग हो रही है। टारगेट फिशिंग होने की वजह से वेल शार्क रिंकोडॉन टाइफस एक्सटिंक्शन के कगार पर जा रहे हैं। टेकिसूरस स्पीशीज, स्नैपर्स, ग्रुपर्स, रॉक फिश जो कि सेबेस्टिनी शार्क्स, सेलेकी, ये और 10% ट्रैश फिशेज में आ जाते हैं। ये इनका एक्सटिंक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बेसिकली ट्रैश फिशेज की तरह यूज़ हो जा रही हैं। MFRA मरीन फिशीज रेगुलेशन एक्ट, इन्होंने कॉर्ड एंड रेगुलेशन के बारे में रूल दिया कि जो हमारे ट्रॉल नेट हैं उनका कॉर्ड एंड जो है उसकी जो मेश साइज रेगुलेशन बिलो 30 मिलीमीटर होना चाहिए। श्रिम ट्रॉलर्स में 10-15 मिलीमीटर का मेस साइज हम लोग यूज़ करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी कि मैन के द्वारा जो भी या फिर ह्यूमन बींग के द्वारा जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, तो क्या क्या हैं, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नॉन सेलेक्टिव फिशिंग प्रेशर, पॉल्यूशन लोड, हैबिटेट मॉडिफिकेशन, स्टॉक ट्रांसफर एंड स्पीशीज इंट्रोडक्शन। जेनेटिक हेट्रोजाइगोसिटी अच्छी बात है एज़ कम्पेयर टू जेनेटिक होमोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी होगा तो स्पीशीज़ में फिटनेस रहेगी, स्पीशीज़ सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहेगा। होमोजाइगोसिटी होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करेगा, स्पीशीज़ की फिटनेस डिक्रीज़ करेगी और स्पीशीज़ का सर्वाइवल नहीं रह पाएगा। फिर बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल टर्म की, तो सिंपल पॉपुलेशन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और जेनेटिकली अफेक्टिव पॉपुलेशन को हम लोग एन ई से डिनोट करते हैं। एन हमेशा एन ई से ज़्यादा होता है। सेक्स रेशियो के फॉर्मूला की बात करें तो अगर हम लोग एक मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन को लेकर बात करें तो जेनेटिकली अफेक्टिव पॉपुलेशन इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ मेल्स इंटू नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल प्लस नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करके भी दिखाया, आप देख सकते हैं। प्रोजेनी देखिए जो आपका एन है या एन जो एन ई से ज़्यादा होता है वो क्यों होता है, वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, सेक्स रेशियो, प्रोजेनी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। तो सेक्स रेशियो का तो ये मैंने न्यूमेरिकल दिखा दिया। प्रोजेनी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली पॉइसन फैशन पे बेस्ड होता है, डिपेंड ऑन वेरियंस एंड मीन। फार्मूला है 4n/2+2, जो नीचे वाले 2+2 है वो वेरियंस और मीन का डेटा है, एंड नेक्स्ट पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है। एनी जेनेटिकली अफेक्टिव पॉपुलेशन एनी डिपेंड करता है, अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगा तो इनब्रीडिंग ज़्यादा होगी यानी कि स्पीशीज़ की फिटनेस रेट डिक्रीज़ होगी और स्पीशीज़ का सर्वाइवल रेट कम रहेगा। जेनेटिक बॉटलनेक अफेक्ट जेनेटिक वेरियंस कॉज करेगा, ये भी अच्छी बात नहीं है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट होने की वजह से लॉस ऑफ इम्पॉर्टेंट अलील्स हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जेनेटिकली अफेक्टिव पॉपुलेशन जो है वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एज़ कम्पेयर टू सिंपल पॉपुलेशन डेट इज़ एन। अब एक पॉइंट है उसको ध्यान से समझिए, लॉन्गर ड्रिफ्ट पीरियड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, और अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगा तो यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ेगा और जेनेटिक वेरियंस बढ़ेगा, यानी कि जेनेटिक बॉटलनेक अफेक्ट जो है वो बढ़ेगा, जेनेटिक वेरियंस बढ़ेगा और लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट अलील की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल और दिए हुए हैं। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग, तो उसके ऊपर एक फॉर्मूला है 1-1/2n। फिर टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन के बेसिस पे, तो ये 1-1/2n × t, इसका एग्जांपल है कट थ्रोट में ये देखा गया था। फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक होमोजाइगोसिटी, उसका फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 1/2 × एनी, एनी इज जेनेटिकली अफेक्टिव पॉपुलेशन और जेनेटिकली अफेक्टिव पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ इनब्रीडिंग डिप्रेशन और जेनेटिक होमोजाइगोसिटी। मिनिमम साइज ऑफ एनी की बात करें तो 1000-NE introduces genetic drift, variance and inbreeding depression and use of equal male and female। देखो अगर हम लोग इक्वल मेल और फीमेल यूज़ करेंगे
तो उतना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट रिड्यूस होगा, वेरियंस रिड्यूस होगा और इनब्रीडिंग डिप्रेशन रिड्यूस होगा। लेकिन अगर हम लोग मेल और फीमेल का रेशियो दूसरा रखेंगे तो वेरियंस भी बढ़ेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बढ़ेगा और इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ केरला मानसून 1989 जून से अगस्त। रैंचिंग की बात करें तो रैंचिंग बेसिकली क्या है, ये कैप्टिव ब्रीडिंग टेक्निक है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट में ब्रीडिंग के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो करके अपनी डाइवर्सिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक इन सीटू कंजर्वेशन मेथड है। सी रैंचिंग का फेनोमेनन जो था या फॉर जो भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1880 में USA और नॉर्वे में, कौन सी स्पीशीज़ पे, तो शैड स्पीशीज़, एलासा स्पीशीज़, हेरिंग, क्लूपिडी, कॉड, गेडीडी, बारामुंडी, लेटेस्ट कैल्सरीफर, रेड ड्रम स्पीशीज़, साइनोप्स ऑसिलेटा, अटलांटिक कॉड, गैडूस मोरुआ, ये सब स्पीशीज़ थी जिन्हें सी रैंकिंग 1880 में स्टार्ट हुआ था USA नॉर्वे में। फिर NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्स रीजनल एक्वाकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ कोलेबोरेट करके कहाँ पे, तो क्यूमारोकॉम केरला में होराबैग्रस ब्रैकिसोमा एंड लेबियो डूसीमेरी स्पीशीज़ के ऊपर सी रैंचिंग की प्रैक्टिस देखी इन्होंने। प्लस फिर बात करते हैं गोल्डन महासीर के ऊपर, NBFGR एंड डायरेक्टोरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज है जो कि भीमताल उत्तराखंड में है। 350 स्पीशीज़ पाई गई वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट हिल्स में। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट फिश की बात करें तो 2006 में NBFGR के थ्रू ही ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट फिश लाया गया कि हर स्टेट की अपनी एक स्टेट फिश होगी, जिसमें 16 स्टेट्स ने इसके लिए साइन किया कि हाँ वो रेडी हैं इस चीज़ के लिए, ताकि कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को एक सक्सेसफुल प्लानिंग के साथ उसको हम लोग बना सके। इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट फिश लाया था NBFGR ने 2006 में, ताकि हर स्टेट अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट फिश फिक्स करके उसके कंजर्वेशन पर ध्यान दे और उसके कंजर्वेशन को उसको इस स्पीशीज़ के ग्रोथ पर ध्यान दे, ताकि उसका जो एक्सटिंक्शन है वो ना हो पाए और उसका कंजर्वेशन हो सके। ठीक है, फिर GIS सिस्टम आ गया, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग टूल फॉर स्टेट फिशेज ऑफ इंडिया, ताकि एक वीडियो रखा जा सके उसके ऊपर। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग टूल्स का यूज़ किए ताकि जो भी जो स्पीशीज़ का कंजर्वेशन हो रहा है उस पर प्रॉपरली ध्यान रखा जा सके टेक्नोलॉजी की मदद से। फिर स्टेट फिशेज ऑफ इंडिया के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, उसमें सारे स्टेट फिशेज जो भी पर्टिकुलर स्टेट के जो स्टेट फिश हैं उनके बारे में मैंने बताया और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। आगे बात करते हैं तो लाइव जीन बैंक का कॉन्सेप्ट लाया था NBFGR में, जिसमें कि 12 फंक्शनल पॉन्ड इसमें अभी एक्टिव हैं, कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइव जीन बैंक के थ्रू। NBFGR गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज असम के तहत 6 स्पीशीज़ का कंजर्वेशन हो रहा है। फिश पार्क और इको टूरिज्म जोन को बढ़ावा देने की भी बात हो रही है, ताकि कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जाए इन सब प्रोसेस के थ्रू, फिश पार्क एंड इको टूरिज्म जोन बना के। एक्सीटू कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो क्राय प्रिजर्वेशन ऑफ फिश कैमिट एंड एम्ब्रियो की करके हम लोग एक्सीटू कंजर्वेशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्राय प्रिजर्वेशन किस तरह का मेथड है, तो एक्सीटू कंजर्वेशन मेथड है। NBFGR इसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो हैचिंग सक्सेस को इससे बढ़ावा मिला है, 65-100% हैचिंग सक्सेस हुआ है क्राय प्रिजर्वेशन ऑफ फिश कैमिट और एम्ब्रियोज का यूज़ करके। लार्ज अमाउंट ऑफ यॉर्क, टफ कोरियन और जोना रेडिएटा होने की वजह से एग का हम लोग क्राय प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पर्म का या सीमेन का हम लोग क्राय प्रिजर्वेशन कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू एग का नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ योक होता है, टफ कोरियन या जोना रेडिएटा लेयर होता है। NBFGR ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राय प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लास्टोमियर ऑफ कैट फिशेज। ठीक है, टिशू सिस्टम जिसमें कि 12,000 टिशू का कंजर्वेशन हो रहा है बाय टिशू बैंकिंग के थ्रू, NBFGR ये भी NBFGR ही कर रहा है। फिर कंसोर्टियम फॉर द बारकोड ऑफ लाइफ DNA बारकोडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, 450 फिश स्पीशीज़ की DNA बारकोडिंग करके रखी हुई है। मार्कर टाइप्स जो यूज़ हो रहे हैं वो है रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RAPD, AFLP, SNP एंड EST। स्टडी ऑफ NBFGR ऑन लॉबस्टर, पेनिल्यूरस होमेरस एंड थीनस ओरेंटलिस, डीप शी फिशेज, प्राइकेंथस हैम्ब्रूर पे भी स्टडी की गई है DNA बारकोडिंग के थ्रू। ठीक है, NBFGR also responsible to develop diagnostic kit to test 11 OIE listed pathogen in fish। legislative framework क्या क्या हुए हैं, तो Biological Diversity Act 2002, United Nations Convention on Biological Diversity, 188 country थी इसमें जिसमें इंडिया भी है। रूल्स Biological Diversity Act 2002 में आया था, Biological Diversity Rule 2004 में, 1897 में Fisheries Act, MPDA 1972, Maritime Zones of India, Regulation of Fishing by Foreign Vessels Act of 1980, Territorial Water Continental Shelf EEZ Maritime Zones Act के तहत 1976, Wildlife Protection Act 1972,
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, CAA कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005, कॉम्प्रिहेंसिव फिशरी पॉलिसी 2004, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006, NGRBA फरवरी 2009, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी फरवरी 2009 में इसका डेवलपमेंट हुआ, फिर इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी सितंबर 1987 एंड 5% ऑफ वर्ल्ड फिश एंड 2.5% इन ग्लोबल फिश मार्केट ट्रेड। ओके डैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर किए, जो भी इस चैप्टर से जो पॉइंट्स मुझे लगे कि जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, सारे स्पीशीज़ के नाम भी किए कवर। ठीक है, जो एसेंशियल पॉइंट हो सकते थे वो सब मैंने कोशिश किए कवर करने के लिए, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर कुछ छूट गया हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, पर होप सो मैंने जो बोला वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से हैंडबुक के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स आते रहेंगे। ओके डैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ़।